नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज चैनल। हमारे साथ है अनिल जी, जो बहुजन समाज की मूवमेंट्स को और बहुजन समाज की बातों को बहुत अच्छे से बढ़कर बोलते हैं। आपका स्वागत है अनिल जी। नमस्कार जी। नमस्कार अनिल जी। जय भीम साहब। अनिल जी, बहुजन समाज के लोगों पर अल्पसंख्यक शासन क्यों और कब तक रहेगा, ये बताएं। ये विषय आपने बहुत गंभीर प्रश्न मेरे से चर्चा के लिए कहा है, तो सब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा रीडिफाइन करना चाहूँगा। बहुजनों पर, मूल निवासी बहुजनों पर अल्पजनों का शासन क्यों, कैसे और कब तक। दोस्तों, हमें पहले ये जानना चाहिए कि बहुजन कौन है। भारत के मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी के लोग, 85% लोग बहुजन हैं। इनकी संख्या ज्यादा है, 85% हैं, इसलिए ये बहुजन हैं। फिर आपने प्रश्न में कहा है अल्पजनों का। अल्पजनों का मतलब कम संख्या वाले लोग, 15% वाली संख्या के लोग, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग। ये शासक हैं, ये 70-80 साल से शासन में हैं और हम देख रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये, क्यों वो शासक हैं, कैसे शासक हैं और कब तक वो शासक रहेंगे, ये विषय बहुत ही गंभीर है। तो इस मुद्दे पे का ध्यान में इस मुद्दे को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। पहली बात कि बहुजन क्या शासक बनना चाहते हैं, क्या बहुजन शासक बनना चाहते हैं। सभी बहुजन कह रहे हैं, बहुत सारे संगठन हैं यहाँ पर, और वो सब कह रहे हैं कि बहुजनों को शासक बनना चाहिए। बाबा साहब की विचारधारा, बुद्ध की विचारधारा, फूले की विचारधारा, माननीय काशीराम साहब की विचारधारा को लेते हुए, लेकिन जब वोट की बात आती है तो वोट वो इधर उधर दे देते हैं। तो पहला संदेश मैं ये देना चाहूँगा कि शासक बनने का एक तरीका होता है, और लोकतंत्र में शासक बनते हैं वोटों के द्वारा। तो बहुजनों को अपने वोटों का इस्तेमाल करके वो शासक बन सकते हैं। दूसरा जो मैं बात किया, क्यों नहीं हो रहे हैं और कैसे अल्पसंख्यक बने हुए हैं, इस बात को मैं ऐसे एनालाइज करूंगा कि किसी भी समाज को कंट्रोल करने के आचार, विचार, संस्कार, त्यौहार और व्यवहार, ये 5 मूल तत्व हैं, और उनके प्रचारक, उनके ट्रेनर्स जो ट्रेनिंग देते हैं समाज को, जिनकी समाज बात मानता है, वो ट्रेनर्स और उनके त्यौहार, उनके व्यवहार, उनके आचरण और उनके संस्कार, जब बहुजनों के आचरण होंगे, बहुजनों के संस्कार होंगे, बहुजनों के खुद के त्यौहार होंगे, बहुजनों के अपने खुद के विचार समाज में होंगे, तब वो समाज पर अपनी पकड़ बना पाएंगे, तब उनकी सामाजिक ताकत निर्माण होगी। जब उनकी सामाजिक ताकत निर्माण होगी, तब फिर वो अपने अच्छे और बुरे का निर्णय लेना सीख जाएंगे। अभी उन्हें यही नहीं पता है कि उन्हें सही निर्णय क्या है, गलत निर्णय कहाँ है, कहाँ वोट डाल देना है, क्यों डाल देना है। तो जिन लोगों को सही और गलत की पहचान ही नहीं है, जिनकी शिक्षा का लेवल इतना कम है कि उन्हें कौन लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके कौन अधिकार छीन रहे हैं, जब उन्हें इनका ज्ञान ही नहीं है, तो शासक और प्रशासक कैसे बन सकते हैं। एक और बात इसी से आती है कि बहुजनों का भीड़ तंत्र है। मैं भीड़ देखता हूँ आंदोलनों में, ये इतने सारे, बहुत सारे विरोध आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन, वो आंदोलन मैं देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि भीड़ तो इकट्ठी होती है, लेकिन भीड़ को कोई सामाजिक संदेश देने वाला स्टेज से नहीं होता। जब लीडरशिप नेतृत्व क्षमता के लोग, जब लीडर ही समाज के डीलर बन जाते हैं, जब लीडर ही समाज को बेच देते हैं, तो कैसे बहुजन समाज शासक बनेगा। जब बहुजन समाज के लीडर जब डीलर नहीं बनेंगे, जब वो बहुजन समाज को नेतृत्व देंगे, तब बहुजन समाज का नेतृत्व पैदा होगा
उनको सही गलत की पहचान होगी, तब बहुजनों की ताकत का निर्माण होगा, तब बहुजन समाज बनेगा, तब बहुजन समाज की सत्ता आएगी। एक प्रश्न अब आपने ये नहीं पूछा कि ये बन क्यों नहीं पा रहे और कब तक बनेंगे, तो क्या ये बनना चाहते हैं? मेरा प्रश्न ये, बहुजन समाज के लोग क्या शासक बनना चाहते हैं? उसके लिए चार चीजों की जरूरत होती है किसी काम को करने के लिए। क्या आप में इच्छा है? क्या आप शासक बनना चाहते हैं? इसकी इच्छा है, विलिंगनेस। किसी भी कार्य को करने के लिए पहले इच्छा होनी चाहिए। तो बहुजन समाज में लीडर्स को, जो समाज का नेतृत्व करते हैं, उनमें ये इच्छा पैदा करनी होगी कि वो शासक बनने लायक बने। दूसरी चीज जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहुजन समाज के ट्रेनर्स हैं बहुत सारे, जब तक समाज के प्रचारक नहीं होंगे तब तक बहुजन समाज में वो इच्छा पैदा करने वाले लोग नहीं पैदा कर सकते। तीसरी बात जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी कार्य को करना के लिए एक लोगों में भय होता, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं इसकी में ये परेशानी है। तो बहुजन लोग ये सोचते हम शासक नहीं बन पाएंगे, उनमें ये डर है, उनमें ये भय है। जब तक ये डर और भय रहेगा कि वो शासक नहीं बन सकते, मैं उदाहरण इस बात को एक इसको उदाहरण से समझाता हूँ। माननीय काशीराम साहब ने वहाँ के जो महाराष्ट्र के लोगों को कहा, वो कहते थे, जब भी काशीराम साहब कहते थे आप लोग शासक बन सकते हैं, वो बोलते थे हो सकत नहीं, हो सकत नहीं, हो सकत नहीं। काशीराम साहब ने कहा कि नहीं, गलत बात है, ये आपके मन का डर है, हो सकता 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 है। ये बात उन्होंने नागपुर में कब कही? जब उन्होंने वो महाराष्ट्र छोड़ के आए, दिल्ली आए, दिल्ली के लोगों ने साथ नहीं दिया, पंजाब गए, पंजाब के लोगों ने साथ नहीं दिया, उत्तर प्रदेश गए, उत्तर प्रदेश में उन्होंने बहन मायावती को निर्देशित किया, गाइड किया, एक प्रचारक पैदा किए बानसेफ के, और उत्तर प्रदेश में जब सत्ता बन गई, जिस दिन सत्ता बन गई, काशीराम साहब ने उसी दिन नागपुर का टिकट कटवाया, वहां जाकर के कहा हो सकत है, 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 ये हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। मैं यहां से बहुजन समाज के लोगों को संदेश दे सकता हूं, दे रहा हूं कि आप बहुजन शासक बन सकते हैं, बन सकते हैं, बन सकते हैं। पहले शासक बनने की इच्छा शक्ति पैदा करो। लेकिन यहां से एक संदेश और देना चाहूंगा, एक कॉशन है, एक चेतावनी है कि जिस समाज के लोग अनुशासन में नहीं रह सकते वो कभी शासक और प्रशासक नहीं बन सकते। हम मैं भीड़ देखता हूँ, मैं स्टेज पे भीड़ देखता हूँ, बोलने वाले लोग, हमें बोलना है, हमें बोलना है, क्यों बोलना है, संदेश दो ना। आप जब अनुशासन में नहीं रह सकते तो कैसे शासक और प्रशासक बन सकते हैं? तो क्यों नहीं बन पा रहे हैं? उसका यही एक कारण है कि पहली बात तो बहुजन समाज का निर्माण नहीं हो पाया, दूसरा जो लीडर हैं वो लीडर नहीं है, वो डीलर हैं, समाज को बेच रहे हैं, तीसरा इसलिए कि वो इच्छा शक्ति पैदा नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा बहुजन समाज का नेतृत्व ये इच्छा शक्ति पैदा नहीं कर पा रहा है कि हम शासक बन सकते हैं, चौथी बात कि वो अनुशासन नहीं, अनुशासित कैडर नहीं पैदा कर पा रहे हैं, इस वजह से ये समस्याएं आ रही हैं। और बहुजन क्रांति क्यों नहीं हो रही, आप फिर मुझे कब तक होगी, कब तक बहुजन समाज बनेगा, कब तक ये शासक बनेंगे? तो उसमें मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी क्रांति को होने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहले प्रचारक, जैसा मैं पहले बोला, दूसरा साहित्य, साहित्य किताबें। जब बाबा साहब ने आंदोलन चलाया तो मूकना एक किताब है, बहुत सारी किताबें, काशीराम साहब ने बहुजन संगठक, ऐसी बहुत सारी किताबें, पत्रिकाएं लिखी, तब आंदोलन बढ़ा। तो हमारे पास बाबा साहब का संविधान है, बाबा साहब का भगवान बुद्ध और उनका धम्म, बहुत सारी किताबें हैं, तो बहुजन साहित्य है, फिर ये शासक क्यों नहीं बन पा रहे? प्रचारकों की कमी है।
जो लोग प्रचार कर रहे हैं वो अनुशासित नहीं हैं, अनुशासन की कमी है, सही दिशा नहीं है, सही नीतियां नहीं हैं आंदोलन चलाने की, और जो कुछ लोग चला भी रहे हैं उनकी सही नियत नहीं है। तो दोस्तों, बहुजन शासकों को शासक बनने के लिए सबसे पहले सही दिशा अपनानी होगी, सही नीतियां अपनानी होंगी, और जो लीडर्स हैं नेतृत्व को सही नियत होनी पड़ेगी, नहीं तो वो समाज को इसी तरह से बेचते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।